हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सभी ऐसे देखिए यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मिल्क शेक, जो बहुत ही टेस्टी होगा और इसके साथ में हेल्दी भी बहुत होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 खजूर लिए हैं और इनके हम बीज निकाल देंगे। तो इस तरह से सारे खजूर के बीज निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे खजूर के बीज निकाल दिए हैं और हमने यहाँ पे लिया है 12 के करीब बादाम। तो इनको भिगोकर हमने इसका छिलका निकाल दिया था और 12 ही टुकड़े जो हैं काजू के हैं, तो ये टूटे हुए हैं। तो इसे हम डालेंगे इस जार में। और इसमें खजूर डाल देंगे। और ये हमने यहाँ पे दूध को बॉयल करके ठंडा हो गया तो फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडा दूध है। तो इस गिलास में 200 ग्राम दूध आता है, तो ये हमने एक गिलास डाला, एक गिलास और डाला, यानी कि 2 गिलास 400 ग्राम दूध। और इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़े से हमें चाहिए आइस क्यूब्स, तो बहुत ही बढ़िया क्रीमी और टेक्सचर कितना अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क शेक तैयार हुआ है। और इसमें चीनी भी नहीं एकदम गई है और बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। आप ऐसी गर्मी में इसे आराम से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें 1-2 आइस क्यूब्स डाल दें, और हम आइस क्यूब्स डालते नहीं क्योंकि आइस क्यूब्स डालने से थोड़ा सा वो लिक्विड ही हो जाता है। तो इसे हम ऐसे ही फ्रिज में रख के ठंडा करके एंजॉय करते हैं। तो आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब हम आपको चेक करके बताते हैं। तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसी गर्मी में चाहे आप डेली बना के पिएँ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।